हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? देखो, आज का जो वीडियो है आपका वो पास्ट टेंस के एरर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं कम्पिटिटिव, तो उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पास्ट टेंस से जुड़ा हुआ होता है, और इसमें बातें जो हैं वो पास्ट टेंस के चारों फॉर्म की होंगी। मेरे कहने का सेंस ये है कि आपका सिंपल पास्ट से लेके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस तक, ठीक है ना, जो भी आपके टेंसेज हैं वो चारों, उन चारों में किस किस तरह का फॉल्ट एग्ज़ाम में आता है, और वो क्या क्या ट्रिक्स है, वो क्या क्या मेथड से क्या क्या ट्रिक्स है जिससे आप क्वेश्चंस को इजीली बहुत कम टाइम में आप उसको हल करोगे, ठीक है। देखो आप, जैसे पहले आप देखो, यहाँ देखो पास्ट टेंस से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डबल या ट्रिपल क्लॉज में आते हैं। जैसे मानो ये आपका कंजंक्शन है आफ्टर, ठीक है, ये एक सेंटेंस है और सेकेंड सेंटेंस आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपका सिंगल सेंटेंस में आता है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप देखो, ठीक है। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पास्ट टेंस में ये रूल है या ये ऐसा ग्रामर में है कि पास्ट टेंस के चारों फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, इसके चारों फॉर्म में कुछ खास बातें हैं। बातें ये हैं कि सिंगल सेंटेंस यानी कि एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग वाला सिंगल सेंटेंस केवल सिंपल पास्ट का हो सकता है। मेरे कहने का सेंस ये है कि पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो आपके टेंसेज हैं, ये हमेशा डबल या ट्रिपल क्लॉज से मिलकर बने होते हैं। ये कभी भी सिंगल सेंटेंस नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। सिंगल सेंटेंस केवल सिंपल पास्ट का हो सकता है। सिंगल सेंटेंस है, यहाँ पे कहने का सेंस है सिंगल वर्ब, दैट इज फाइनाइट वर्ब, दैट इज वर्ब सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपके सामने देखो, जैसे कि फर्स्ट आप देख रहे हो, फर्स्ट आपका जो एडर है वो है मिस्टर हैन एंड द अदर डिसिडेंट लीडर्स। यहाँ आपका बोल्ड में दिया हुआ हैव टेकन शेल्टर, राइट, एट द चर्च। यहाँ पे आपका टाइम है लास्ट मंथ, आफ्टर द अथॉरिटीज ऑर्डर्ड देयर अरेस्ट। तो यहाँ पे देखो, पहला आपका सेंटेंस यहाँ कौन सा है, मिस्टर हैन एंड द अदर डिसिडेंट लीडर्स हैव टेकन शेल्टर एट द चर्च लास्ट मंथ, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट क्लॉज है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कंजंक्शन है। और सेकंड आपका देखो वाक्य क्या है, द अथॉरिटीज ऑर्डर्ड देयर अरेस्ट, ठीक है। टेंस, अगर आप टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है टाइम का। आपको पता है कि टाइम और टेंस बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट्स। अगर आपने टाइम पे अगर आपका ग्रिप बन गया, या अगर आप सेंटेंस का टाइम पहचान लिए, तो टेंस तो सॉल्व चुटकियों में होगा। आपको पता है कि टेंस जो है केवल वर्ब फॉर्म होता है, और टाइम क्या होता है, टाइम होता है एडवर्ब, है ना। तो बताओ इस सेंटेंस में, इसमें टाइम कहाँ पे है? टाइम दिखाने वाला शब्द केवल ये है, लास्ट मंथ, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कि लास्ट मंथ का जो है यूज़ किस टेंस में होता है? अगर आपने पास्ट टेंस आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि यस्टरडे, एगो, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, मतलब लास्ट प्लस टाइम या रिसेंटली का प्रयोग केवल सिंपल पास्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइम देख रहे हो, लास्ट मंथ। छोटी सी बात है, अगर क्वेश्चंस को बारीकी से आप नहीं भी आप पढ़ते हो, आपके सामने अगर चार ऑप्शन हैं और लास्ट मंथ का प्रयोग जो है केवल सिंपल पास्ट में होता है, और ये बात सिर्फ पहले वाक्य की है, तो बताओ इसमें से कौन सा, इसमें सिंपल पास्ट कहाँ है? ये तो आपका पास्ट परफेक्ट है, ये आपका सिंपल पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। सेकंड बात देखो ये है, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको पहले ये समझना है कि सेंटेंस किस टेंस का है। अगर आपको ये जानना है, तो मान लो कि अगर डबल या ट्रिपल क्लॉज का अगर सेंटेंस है और किसी एक वर्ब को चेंज करना है, यहाँ चेंज करना है वर्ब को ही, ठीक है ना, तो आप सेकंड देखो कि सेकंड क्लॉज में कौन सा वर्ब है। अगर सेकंड क्लॉज में वर्ब सेकंड का प्रयोग है, यानी जैसे यहाँ पे ऑर्डर्ड का प्रयोग है, और फर्स्ट सेंटेंस में आपका टाइम एलिमेंट यानी टाइम एडवर्ब आपका लास्ट मंथ है सिंपल पास्ट को दिखाने वाला, तो फिर यहाँ पे आप क्या दोगे फॉर्म, यहाँ वर्ब दोगे डायरेक्ट आप टुक सेंटर। यहाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट। आपके मन में देखो सवाल ये उठ रहा होगा कि आफ्टर का, वेन का और बिफोर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में होता है, तो यहाँ पे अगर आफ्टर दिया हुआ है तब तो यहाँ पे
ये आंसर होना चाहिए। लेकिन मुझे बताओ फर्स्ट सेंटेंस का टाइम एलिमेंट क्या है? टाइम एलिमेंट है लास्ट मंथ। और लास्ट का लास्ट प्लस टाइम का प्रयोग होता है किस टेंस में बताओ? इसका यूज उसका होता है सिंपल पास्ट टेंस में। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या दोगे? ऑर्डर्ड अप। एक बात देखो, सेकंड बात क्या है, आफ्टर व्हेन या बिफोर में कोई आवश्यक नहीं है कि उनका प्रयोग केवल पास्ट परफेक्ट में ही हो। अगर मुझे बताओ, अगर एक घटना के ठीक बाद अगर सेकंड घटना होता है तो दोनों ही क्लॉज में हम लोग सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। प्लस ये है कि पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट का हम यूज़ कहाँ करते हैं? अगर कॉज एंड इफेक्ट वाली बात हो, जिन दो क्लॉजेज में कॉज एंड इफेक्ट की बातें हों उसी क्लॉजेज में हम यूज़ कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट का और सिंपल पास्ट का। वहाँ पे अर्ली पास्ट को हम दिखाते हैं पास्ट परफेक्ट से, और जो आपका लेटर पास्ट है उसको हम शो करते हैं सिंपल पास्ट से। उसकी चर्चा हम लोग आगे हम लोग करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखें आप, जैसे कि आप देख रहे हो सोहन, यहाँ पे ये आपका बोल्ड में वर्ड है, इसको चेंज करना है हैज बीन प्लेस्ड या ये सारे ऑप्शन से। आपको जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आप फोकस कहाँ करोगे? सबसे पहले आपको फोकस करना है एडवर्ब पे, यानी कि टाइम एलिमेंट पे। इस सेंटेंस का टाइम कहाँ पे? टाइम यस्टरडे है। और बताओ यस्टरडे का प्रयोग किस टेंस में होता है? छोटी सी बात सिंपल पास्ट में होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या दोगे आप? सिंपल पास्ट ये दिखाने वाला ये एडवर्ब है, तो यहाँ पे क्या दोगे आंसर आप? यहाँ पे आंसर सिंपल हो जाएगा वाज प्लेस्ड। आपको ये जानकारी होना चाहिए वर्ब सेकेंड जो आपका मतलब जो फॉर्म बेस्ड वर्ब्स हैं उनके अलावा वाज वेयर के बाद अगर आपका एडजेक्टिव है या अगर कॉमन नाउन है। इसी प्रकार अगर हैड के बाद अगर वर्ब थर्ड नहीं है, अगर हैड के बाद ऑब्जेक्ट चला आए, जैसे कहते हो कि आई हैड अ मील लास्ट नाइट, तो यहाँ तो हैड के बाद में मील आया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मील है, यहाँ तो वर्ब थर्ड नहीं है। तो आपको ये पता होगा कि टू बी, टू डू, टू हैव, यानी कि वाज वेयर, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब फॉर्म बेस्ड, ये तीनों जो है सिंपल पास्ट में काउंट होते हैं। अगर आपका सेंटेंस सिंगल है तो आप दिमाग लगाओ ही नहीं। अगर आपका सेंटेंस सिंगल है और अगर सिंपल पास्ट का एलिमेंट यहाँ होगा ही, क्योंकि क्योंकि पास्ट टेंस में सिर्फ सिंपल पास्ट ही सिंगल सेंटेंस में हो सकता है। अभी आपको मैंने बताया कुछ देर पहले कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हमेशा डबल क्लॉज में होता है। तो यहाँ पे आँख मूंद के आंसर क्या दोगे आप? यहाँ तो हैज़ बिन प्लेस्ड होगा ही नहीं, क्योंकि बात यस्टरडे की हो रही है सिंपल पास्ट का। हैड बिन तो होगा ही नहीं, क्योंकि हैड प्लस वर्ब थर्ड, यानी कि पास्ट परफेक्ट में कभी भी सिंगल सेंटेंस बनता ही नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या दोगे आप? पास्ट प्लेस्ड। उसी प्रकार देखो यहाँ पे आप जैसे कहते हो ही हैज़ लेफ्ट, यहाँ पे चेंज करना है आपको लेफ्ट को, हैज़ लेफ्ट को फॉर लंदन लास्ट नाइट। ठीक है, लास्ट नाइट, अभी आपको मैंने बताया कुछ देर पहले कि लास्ट प्लस टाइम का यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट में। तो छोटी सी बात है, आपका ये जो टाइम है एडवर्ब ये शो कर रहा है सिंपल पास्ट को। तो मुझे बताओ वाज लिविंग तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट है, उसके बाद लेफ्ट आपका वर्ब सेकेंड है, तो ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार देखो जैसे आप कहते हो फोर्थ में, देखो आप आई डॉट डॉट लंच वन आवर एगो, फिर देखा आपने कि यहाँ पे आपका सिंगल सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस है प्लस टाइम एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे टाइम एलिमेंट है आपका एगो। ठीक है ना, तो एगो रहेगा और सेंटेंस आपका सिंगल है, तो आँख मूंद के आपको मारना है, ब्लाइंडली आपको कोट करना है सिंपल पास्ट को। अब मुझे बताओ हैव प्लस हैड, हैव हैड तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड हैड पास्ट परफेक्ट है, हैव आपका सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, हैड क्या हो सकता है? हैड के बाद अगर यहाँ पे आप लंच नाउन को दे रहे हो तो यहाँ पे हैड क्या है? यहाँ पे हैड आपका वर्ब सेकंड है, इसलिए आपका ये आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कुछ आपको समझ में आया होगा। अब मैं कुछ बताऊँगा आपको कुछ ट्रिक्स इसके बारे में जो आपको एकदम जानना चाहिए, तब तक इसको जरा फोकस करो। ओके, देखें आप ध्यान से, कुछ बातों को जानना बेहद आवश्यक है, इसको आप ट्रिक्स मान सकते हो। देखो पहला क्या है रूल, अगर आपको पास्ट टेंस के एरर्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो कुछ बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो पहला बात क्या है कि अगर मान लो एगो लास्ट प्लस टाइम,
इसके बाद देखो आपका यस्टरडे, ठीक है, या जो है आपका रिसेंटली, या आपका एट, इन, ऑन, एट प्लस क्लॉक टाइम, क्लॉक टाइम, इन प्लस मंथ या ईयर या सीजन, और ऑन प्लस डे या डेट, ठीक है ना। अगर मान लो कि ये टाइम एलिमेंट्स, ये सारे क्या हैं, दीज आर एडवर्ब्स, ये क्या हैं, दीज आर एडवर्ब्स, ठीक है। तो अगर इनमें से किसी वर्ड का यूज है, और अगर सेंटेंस आपका, मान लो कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लस अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया रहे, अब प्लस टाइम, इनमें से कोई भी टाइम एलिमेंट रहे, अगर आपका सिंगल सेंटेंस है, अगर सिंगल सेंटेंस है, तो इन शब्दों के रहने पे आप हमेशा यूज करोगे किसका, ऑलवेज वर्ब सेकंड का। यहाँ पे वर्ब सेकंड ही यूज होगा। इनमें से कोई शब्द रहे और अगर सेंटेंस आपका सिंगल हो, तो सोचना ही नहीं है कि ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चार ऑप्शन में जो आपको वर्ब सेकंड लगे उसमें टिक मारो, उसको आंसर करो, काफ़ी इजी है। ये देखो पहला बात है फर्स्ट टाइम एलिमेंट। इसके साथ साथ देखो यहाँ पे एक और वर्ड है आपका दैट। अगर दैट डे रहे या दैट मंथ रहे, तो अभी आपको सिंपल पास्ट ही मानना है जनरली, मतलब 99% केस में। अगर सिंगल सेंटेंस है और इनमें से किसी वर्ड का प्रयोग सेंटेंस में, तो वहाँ पे हमेशा वर्ब सेकंड का ही प्रयोग आप करोगे, यूज करोगे आप, ठीक है। इसके अलावा देखो आप सेकंड बात देखो आप, अगर मान लो कि अगर आपका एक सेंटेंस है और यहाँ देखो अगर आपका आफ्टर है या वेन है या बिफोर है, और इसके बाद अगर एक सेंटेंस है आपका, देखो तो देखो यहाँ पे मतलब आपको ये फोकस करना है कि अगर रहेगा आपका कि वन एक्शन आफ्टर अनदर या आफ्टर द अदर, यानी कि अगर इसमें आपका नो टाइम गैप रहे, अगर टाइम गैप बिल्कुल भी ना रहे, एक एक्शन हो उसके ठीक बाद तुरंत एक्शन हो, तो आप दोनों में ही बताओ आप क्या यूज़ करोगे। आप यूज़ करोगे वर्ब सेकंड का, ठीक है ना, ये आपको फोकस करना है ना। अब देखो थर्ड बात देखो ये है कि वेन का सवाल जहाँ तक है, देखो आप वेन मैंने यहाँ पे दिया है ना, अगर टाइम गैप ना हो तो, अगर मान लो जनरली कि अगर एक एक्शन पहले से चल रहा हो, अगर देखो आप कहते हो कि कोई अगर पास्ट चल रहा एक्शन और उसके बीच में अचानक कुछ हुआ, यानी कि इसके बीच में अचानक अगर कुछ हुआ, ठीक है, अगर ऐसा रहे एक एक्शन पहले से कंटिन्यू कर रहा है और उस एक्शन के बीच में अचानक कोई घटना घटती है, ठीक है, तो वहाँ पे जनरली होता क्या है कि वेन के बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब सेकंड का, और वेन के पहले हम यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसको आप ध्यान दोगे, ठीक है ना, यानी कि कोई अगर एक्शन पहले से कंटिन्यू कर रहा है और उस बीच अचानक कुछ हुआ, जैसे कहते हो आप राधा वॉज प्लेइंग फुटबॉल वेन द बॉम्ब ब्लास्टेड, या आई वॉज गोइंग टू पटना वेन यू गेव मी रिंग, यानी आप ध्यान दोगे कि वेन के साथ जनरली हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट का, और जो मेन क्लॉज है वो जनरली पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो सकता है। लेकिन अगर एकदम सब्सिक्वेंट एक्शन है, एक के बाद ठीक बाद दूसरा, तो हम दोनों में यूज़ करेंगे किसका, हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट का। ओके, इसको जरा ध्यान से देखें आप। देखें दो रूल देखा आपने, उसके बाद देखें आप थर्ड बात देखो ये है कि अगर मान लो कि आपका आफ्टर लगा हुआ है जनरली, और अगर मान लो कि एक अगर अर्ली एक्शन की बात हो
और एक अगर अगर लेटर एक्शन की बात हो, ठीक है ना, तो आप ध्यान दोगे, अगर मान लो यहाँ सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और यहाँ भी आप सब्जेक्ट मान सकते हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आफ्टर के पहले जनरली मतलब एक काम होने के कुछ देर के बाद, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ आपका टाइम गैप होगा, राइट। तो देखो आफ्टर के पहले हम यूज़ करते हैं सॉरी, यहाँ लेटर हो जाएगा, यहाँ पे आपका अर्ली हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अगर पास्ट टेंस का कोई लंबा अगर दो क्लॉज से बना हुआ सेंटेंस हो, ठीक है, तो आफ्टर के पहले हम यूज़ करेंगे जनरली वर्ब सेकंड का, और आफ्टर के बाद हम यूज़ करेंगे जनरली हैड प्लस वर्ब थर्ड का। लेकिन देखो यहाँ एक कंडीशन है कि दोनों एक्शन के बीच में टाइम गैप हो, तो ये उसका मतलब उसका स्ट्रक्चर होता है आफ्टर से जुड़ा हुआ। इसके बाद देखो आप अगर मान लो आप बिफोर लगाते हो या अगर आप वेन का प्रयोग करते हो, ठीक है, तो इसमें क्या है कि बिफोर अगर आपका बीच में है तो यहाँ देखो जनरली क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आपका अर्ली एक्शन को हम दिखाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, और वेन के बाद जो है आपका सब्जेक्ट प्लस लेटर एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न होता है और इसमें भी आपका टाइम गैप होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आप बिफोर और वेन का जो ट्रीटमेंट हम सेम करते हैं, बिफोर और वेन का जो स्ट्रक्चर है जनरली वो ऐसा ही होता है, यानी कि बिफोर और वेन अगर मान लो बीच में है तो उसके पहले आएगा अर्ली एक्शन, यानी कि पहला एक्शन में आप दिखाते हो हेड प्लस वर्ब थर्ड, दूसरे में आप यूज़ करते हो वर्ब सेकेंड का। शर्त है कि टाइम गैप एकदम होना चाहिए, टाइम गैप अगर नहीं रहेगा तो फिर हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट का। कैसे, आप सब पे पहले एग्जांपल देखो जो मैंने आपको बताना आपको मैंने स्टार्ट किया था। देखो पहला क्या है, आप अगर यहाँ देखते हो अगर मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर एक ऑप्शन अगर दिया रहे कि वाज गिविंग, अगर आपका एक ऑप्शन दिया रहे हैड गिवन, और एक अगर आपका ऑप्शन दिया रहे गिव, और एक आपका अगर ऑप्शन रहे कि हैड बिन गिवन, ठीक है, तो देखो आप सबसे पहले ये सोचो कि ये सेंटेंस तो सिंगल है, मुझे बताओ सेंटेंस मतलब क्या होता है। देखो विदाउट फाइनाइट वर्ब वी कैन नॉट फॉर्म ए सेंटेंस, ठीक है, और सेंटेंस इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल फाइनाइट वर्ब, यानी देखो आप दो या तीन वाक्य जो होते हैं, जितने वाक्य होंगे उतना फाइनाइट वर्ब होगा। अगर सेंटेंस में अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक ही वर्ब है तो वो सिंगल फाइनाइट वर्ब होगा, क्योंकि देखो बिना फाइनाइट वर्ब का सेंटेंस फॉर्म हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टाइम एलिमेंट एगो है, इस सेंटेंस में वर्ब ही भरना है आपको और मात्र एक वर्ब है, तो सिंगल सेंटेंस है तो आपको ये सोचना है कि ये 100% सिंपल पास्ट है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमेशा डबल या ट्रिपल क्लॉज में बने होते हैं। जाहिर सी बात है पास्ट कॉन्टिन्यूअस है नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट है नहीं होगा, ये पैसिव चला गया परफेक्ट का नहीं होगा, सिंगल सेंटेंस है 100% ये जो है सिंपल पास्ट का ही फंडा है, यानी ये सिंपल पास्ट में ही होगा। अभी लिखाया था मैंने आपको कुछ देर पहले कि एगो यस्टरडे लास्ट नाइट लास्ट वीक, ठीक है ना, या रिसेंटली वगैरह, अगर रहेगा तो ब्लाइंडली आप टिक मारो सिंपल पास्ट में और आप देखो कि सेंटेंस सिंगल है कि डबल है। सिंगल है तब सोचना ही नहीं है कि ये पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो खैर उसमें होगा ही नहीं, 100% सिंपल पास्ट का होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो आप जैसे मान लो कि आप कहते हो, एक सिंपल सी बात है कि आप जैसे क्वेश्चन देखो आप मान लो कहते हो कि जैसे रानी स्लैप्ड
आफ्टर मोहन हैड स्लेप्ट, ये मानो एक सेंटेंस है आपका, ठीक है। और यहाँ पे अगर बोल्ड अगर दिया हुआ, अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया रहे वाज स्लीपिंग, सेकेंड आपका ऑप्शन रहे आपका हैड स्लेप्ट, थर्ड जो है अगर आपका ऑप्शन दिया रहे कि हैड बीन स्लेप्ट, मान लो एग्जांपल के तौर पे ये अगर आपको ऑप्शन दिया रहे, ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि रानी स्लेप्ट आफ्टर मोहन हैड स्लेप्ट, तो टाइम गैप तो आपको फील हो रहा है। अच्छा, ये पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में, एग्जैक्ट एक ही टाइम में दो आदमी में एकाएक सो जाए? ये नहीं होता है भाई, एक आदमी सोने के बाद दूसरा आदमी सोएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या दोगे आप, आफ्टर यहाँ देख रहे हो तो पहला एक्शन कौन सा होगा, पहला ठीक है, पहला एक्शन आपका लेटर होगा। और आप ये जानते होंगे, आपको बताए हैं हम ये पहले भी शायद, देखो कि लेटर एक्शन हम दिखाते किससे हैं, वर्ब सेकंड से, और जो अर्ली एक्शन हम दिखाते किससे हैं, हम दिखाते हैं उसको हेड प्लस वर्ब थर्ड से। जाहिर सी बात है इसमें आंसर क्या दोगे आप, इसमें जो है वाज स्लीपिंग तो होगा नहीं, हैड स्लेप्ट तो यहाँ पे होगा नहीं, हैड बीन भी नहीं होगा, आफ्टर है, अर्ली जो एक्शन आपका लेटर है वो दिखाते हैं सिंपल पास्ट, यानी कि आफ्टर अगर बीच में रहेगा तो उसके पहले हम यूज़ करेंगे वर्ब सेकंड का। आँख मूंद के यहाँ पे आप आंसर दो वर्ब सेकंड, ये क्वेश्चन में फॉल्ट नहीं है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखें आप ध्यान से, देखो थर्ड जो आपका स्टेप है कुछ और आप जानो। आप देखो, जैसे मान लो आप कहते हो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि व्हेन आई अराइव्ड रानीज होम, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक वाक्य रहे कि सी वाज ईटिंग फूड, यहाँ अगर आपका एक ऑप्शन रहे कि सी एट फूड, यहाँ अगर एक आपका ऑप्शन रहे हैड ईटन फूड, ये मानो अगर आपका तीन अगर आपको ऑप्शन दिया रहे, ठीक है ना। सवाल ये उठता है कि इसमें से कौन सा सही है। देखो एक बात जानो आपको मैंने बताया है, आपको मतलब आपको चाहिए देखना मेरा पास्ट टेंस का वीडियोस, खासकर पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। आप देखो, आप कंजंक्शन जो है वो रखने का दो जगह होता है, या वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकता है या वो सेंटेंस के बीच में आ सकता है। अगर कंजंक्शन स्टार्टिंग में आया तो बीच में हम लगाते हैं कॉमा, ठीक है ना। तो आपको ये पता है देखो कि व्हेन या बिफोर के बाद हमेशा हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ सिंपल पास्ट का यूज़ है तो ये तो सही है। यहाँ पे हमको चूज करना है, मान लो अगर ये ऑप्शन रहेगा तो जब मैं रानी के घर पहुँचा तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, या तो हो सकता है वो खाना खा चुकी थी, या हो सकता है वो खाना खा रही थी, यानी वो खाना खा रही थी अचानक मैं बीच में मैं पहुँचा, या मैं जैसे ही उसके यहाँ पहुँचा वो बेसिन पे हाथ धो रही थी, यानी कि वो खाना खा चुकी थी, ठीक है। लेकिन ये मुझे बताओ, तो इस हिसाब से ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन मुझे बताओ जब मैं उसके घर पहुंचा, सी एट फूड, ये पॉसिबल है, मतलब मैं उसके यहाँ पहुंचा और वो खाना खा ली। देखो एक बात जानो आप कि ध्यान देना इस पे कि सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये दोनों जो हैं ये दिखलाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को, मतलब किसी खास एक बिंदु पे, किसी खास एक टाइम पे किसी एक्शन का होना, ठीक है ना। तो दोनों तरफ पॉइंट ऑफ टाइम में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे एट फूड तो किसी हाल में यूज़ नहीं होगा। ये दोनों ही सही है, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। या देखो आप एक सेंटेंस आप और देखो, जैसे मान लो आप कहते हो कि I arrived at the station before the train
आई स्टार्टेड, ठीक है। और मान लो यहाँ अगर आपको रहा चेंज करने के लिए, अगर यहाँ दिया है मान लो कि चलो यहाँ मान लो कि अगर दिया है कि आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, ठीक है। अगर यहाँ आपका दो अगर आपका ऑप्शन दिया है तो एक जाहिर सी बात है कि देखो इसका हिंदी इसका दो आप कर सकते हो। देखो आप जैसे कि आप ये कह सकते हो कि आई अराइव एट द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, यानी कि ट्रेन खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच गया। यहाँ अगर इसका हिंदी करोगे तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ट्रेन खुलने के पहले, ट्रेन खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंचा। फिर कहोगे आप देखो कि ट्रेन खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो देखो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ट्रेन खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंचा? यानी कि मतलब अगर ट्रेन खुला 8 बजे तो मैं पहुंच गया ठीक 8 बजे या 7:58, 7:59 में। यानी कि पहला वाक्य से अगर आपसे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे टाइम गैप नहीं है, यहाँ टाइम गैप नहीं है और मैं ट्रेन खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुँच चुका था, यानी कि यहाँ पे टाइम गैप है। अगर आपका सेंटेंस में ये रहेगा कि टाइम गैप, तो हम यूज़ करेंगे हैड अराइव्ड का। और अगर एक एक्शन शुरू होने के ठीक पहले, मतलब दो एक्शन, एक एक्शन मतलब मेरा पहुंचना और ट्रेन का स्टार्ट होना अगर एक साथ हो रहा है, सपोज दैट, तो इस केस में यह भी सही है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है जिसको हम डील करते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखो आप इन स्ट्रक्चर्स को, इन बातों को जैसा बारीकी से आप समझने का प्रयास करो, क्वेश्चंस बनाना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। देखें आप ध्यान से, अब कुछ क्वेश्चंस को देखें आप। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखा है, ये देखो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। देखो पहला क्वेश्चन है आपका है न्यूटन, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल फॉल। यहाँ भी आप देख रहे हो कंजंक्शन, यहाँ दैट क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है। आपको ये देखना है कि पास्ट का जो इवेंट है, देखो सिंपल पास्ट का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं बताओ आप? सिंपल पास्ट का हम यूज़ करते हैं अगर किसी पास्ट सिचुएशन की बात हो, अगर किसी पास्ट घटना की बात हो, ठीक है ना। तो उन दोनों को हम दिखाते हैं सिंपल पास्ट से। तो न्यूटन यहाँ देख रहे हो दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल फॉल। ये आप जानते होंगे कि शक्ति गुरुत्वाकर्षण का जो है वो वस्तु को ऊपर से नीचे गिराती है, ठीक है ना। तो न्यूटन ने खोज किया एक थ्योरी का, एक थॉट का, एक साइंटिफिक वे का। तो पास्ट के किसी भी इवेंट को हम दिखाते हैं किस टेंस से? जाहिर सी बात है सिंपल पास्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे आँख मूंद के आप मारो, यहाँ पे आंसर क्या होगा? न्यूटन डिस्कवर्ड। यहाँ पे ये तो सिंपल प्रेजेंट, ये तो होगा ही नहीं, वो डिस्कवर। अच्छा अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो मुझे बताओ आप कि यहाँ पे हैज तो खैर होगा नहीं, ये तो प्रेजेंट का शो कर रहा है। वुड प्लस वी वन, देखो मॉडल्स जो हैं वो दे आर वर्ब्स ऑफ इमोशंस और फीलिंग्स, ठीक है ना। मॉडल्स से कोई काम होता नहीं है, मॉडल्स जो हैं वो सिर्फ फीलिंग्स को दिखलाते हैं। तो मॉडल्स का यूज़ तो यहाँ पर करोगे नहीं आप। वुड प्लस वी वन पास्ट हैबिट को दिखा सकता है या फ्यूचर भी। फ्यूचर मतलब मॉडल्स का कोई टेंस नहीं होता है, दे आर टाइमलेस वर्ब्स, ठीक है। एक ही ऑप्शन। अच्छा एक बात देखो आप कि पास्ट इवेंट यानी कि पास्ट टाइम में किसी आदमी का कोई खोज या कोई घटना, जैसे मान लो आप कहते हो, आप क्या बोलते हो, राम किल रावण या राम हैड किल रावण? भगवान राम ने रावण का वध किया, एक सिंपल एक घटना पास्ट का। भारत को 47 में आज़ादी मिली, पास्ट की एक घटना। तो पास्ट के किसी भी घटना को हम दिखाते हैं एक ही टेंस, दैट इज सिंपल पास्ट। वहाँ कभी भी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हम नहीं कर सकते, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग है। इसी प्रकार देखो आप कहते हो कि हु इज़ द पर्सन यू डॉट डॉट एट द सिनेमा लास्ट नाइट,
हु इज़ द पर्सन, वो आदमी कौन है। और यहाँ आगे देख रहे हो आप लास्ट प्लस टाइम का यूज़ है। आप मुझे बताओ लास्ट प्लस टाइम का यूज़ हम किस में करते हैं? एक ही टेंस है सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे क्या दोगे आप? रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पे आँख मूंद के आपको मारना है। यहाँ पे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। लास्ट नाइट का यूज़ है, टाइम ऑफ एडवर्ब, यानी कि लास्ट नाइट टाइम एलिमेंट है जो बता रहा है कि यहाँ पे भराएगा, यहाँ पे डालोगे आप सिंपल पास्ट। ठीक है, इसी प्रकार देखो नेक्स्ट आपका है 5 years ago टुडे। यहाँ पे इसको चेंज करना है आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो फॉल्ट एरिया यहाँ पे कहाँ है, अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें फॉल्ट एरियाज कहाँ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो मुझे बताओ। यहाँ पे एगो का यूज़ है और यहाँ पे यूज़ है आपका टुडे का। देखो टुडे का यूज़ जो है वो सिंपल पास्ट में भी हम लोग कर सकते हैं, करते हैं। अगर सेंटेंस का अर्थ निकालो आप, तो 5 साल पहले आज के दिन मैं एक जापानी कार में बैठा हुआ था। बात कब की हो रही? बात हो रही है 5 साल पहले की। तो 5 साल पहले मैं एक जापानीज कार में मैं बैठा हुआ था जो कार पोलैंड से बर्लिन की तरफ जा रहा था। 5 years ago today, ठीक है ना। तो यहाँ पे एगो का बताओ यूज़ आप करते हो किस टेंस में? सिंपल पास्ट में। लेकिन देखो आज के दिन 5 साल पहले किसी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। अगर आपसे हम पूछे कि 2 दिन पहले इस समय तुम क्या कर रहे थे, 2 साल पहले आज के दिन इस समय तुम क्या कर रहे थे, तो 2 साल पहले या 10 साल पहले और एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ तो हो रहा होगा, कोई तो ऑनगोइंग एक्शन होगा, उसको हम दिखाते किससे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसलिए यहाँ पे एम की जगह पर यूज़ करेंगे हम वाज का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे कि आप कहते हो माला डॉट डॉट वाज हरीड टू रीच द मीटिंग व्हेन शी स्लिप्ड एंड फेल डाउन। अब यहाँ पे इसको हमको चेंज करना है, राइट। और मुझे बताओ आपको मैंने बताया अभी कि पास्ट में अगर कोई एक्शन चल रहा हो और अचानक कुछ हुआ तो उसको हम दिखाते हैं किससे। आपको मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि वेंस के बाद, वेंस से सिंपल पास्ट अटैच होता है और जो मेन क्लॉज है वो जनरली आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो वेन के बाद यहाँ पे देख रहे हो आप वर्ब सेकंड का यूज़ है। अगेन यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ब सेकंड का यूज़ है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करोगे आप? यहाँ यूज़ करना पड़ेगा आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि वेन के बाद सिंपल पास्ट है तो मेन क्लॉज क्या होगा? मेन क्लॉज आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। ओके, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। देखें आप ध्यान से इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चंस को देखें आप। जैसे देखो आपको एक क्वेश्चन है कि व्हेन वी शॉ हिम लास्ट ही रैन टू कैच ए बस। यहाँ पे आपको चेंज करना है, बोल्ड में ये वर्ड दिया हुआ है रैन, ठीक है। और आपको यहाँ पे वर्ब फॉर्म है, यहाँ कौन सा सेट करेगा, तो आप मुझे बताओ कि व्हेन वी शॉ हिम चेंज करना है इस वर्ब को, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ मुझे बताओ ये आपका सिंपल पास्ट है। आप सोचो कि जब हम लोगों ने उसे पिछली बार देखा, अगर हम लोगों ने किसी को देखा पास्ट में कभी, तो जाहिर सी बात है कि वो किसी एक्शन में होगा। जैसे आप कहते हो कि जब हम लोगों ने उसे देखा तो वो क्रिकेट खेल रहा था, जब हम लोगों ने उसे देखा तो वो दौड़ रहा था, जब हम लोगों ने उसे देखा तो वो टीवी देख रहा था। यानी कि अगर मान लो कि वेन के बाद अगर आपका सिंपल पास्ट का यूज़ है जनरली, तो अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम में अगर एक्शन पास्ट में होता है तो एक चल रहे एक्शन के बीच कुछ हुआ, हम लोगों ने देखा, उस समय वो कुछ कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये आपका सिंपल पास्ट है, ये अगेन दिखाता है आपको पॉइंट ऑफ टाइम। आपको हम बता चुके हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड सिंपल पास्ट। लेकिन यहाँ मुझे बताओ दो सिंपल पास्ट एक साथ हो सकता है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एक एक्शन के बाद तुरंत बाद दूसरा एक्शन होता है, जब उसने मुझे देखा वो चिल्लाई, when she saw me she started crying, ठीक है ना, when she saw me she fell down, यानी कि अगर एक एक्शन के ठीक बाद दूसरा एक्शन होता है तब ना। लेकिन अगर कोई आम अगर हम लोगों ने किसी को देखा और वो किसी काम में लगा हुआ था, व्यस्त था,
तो मीनिंगलेस क्या होगा, सॉरी मीनिंगफुल यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा। जब हम लोगों ने उसे देखा पिछली बार तो वह बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। अच्छा ये बताओ, दौड़ना जो है ये मोशन का, मोशन वाली बात है ना, तो मोशन वाली जो क्रियाएं हैं वो कभी भी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा? मतलब जब हम लोगों ने उसे देखा वह दौड़ा, नहीं यार, जब हम लोगों ने उसे पिछली बार देखा वह बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। जाहिर सी बात है यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाज रनिंग। यहाँ ये तो होगा ही नहीं, ये आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो होगा ही नहीं क्योंकि एक क्लॉज आपका पास्ट में है। हैड रन, हैड रन का मतलब क्या है कि दो एक्शन के बीच में अगर टाइम गैप है, मतलब जब हम लोग ने उसे देखा तो वह दौड़ चुका था, कोई इसका, ये तो मीनिंगलेस बात हो गया। मतलब एक एक्शन अगर ख़त्म हो गया उसके बाद दूसरा कुछ होता है देन वी यूज़ पास्ट परफेक्ट, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वाज रनिंग। इसी प्रकार देखो सेकंड, देखो आप कहते हो कि सी हर्ट हर बैक वाइल सी डॉट डॉट यस्टरडे, मतलब उसकी पीठ में चोट लग गया, उसकी पीठ में चोट, हर्ट कट क्या होता है, चोट लगना, उसकी पीठ में चोट लग गया जब वह कल काम कर रही थी, जब वो कल काम कर रही थी अचानक उसे चोट लगा। वाइल सी वर्क डिस्टर, अगर यहाँ पे वर्क हम रखते हैं तो इसका अर्थ क्या, जब उसने कल काम की तो उसे चोट लगा, कि वो काम कर रही थी कि उसे चोट लगा। अगर किसी, कोई आदमी किसी मोशन में है, किसी वर्क में लगा हुआ है, एंगेज्ड है, तभी ना वह घायल होगा, उसे चोट लगेगा। तो इसका मीनिंगफुल क्या हो रहा है कि जब वो कल काम कर रही थी उसे चोट लगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट का। इसी प्रकार देखो आप कहते हो कि हरी लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर, ठीक है। देखो आपको हम बता चुके हैं, अगर दो एक्शन पास्ट का हो और वो जुड़ा हुआ हो बिफोर से या वेन से, अगर बिफोर हो चाहे वेन हो तो जनरली देखो अगर टाइम गैप होगा तो बिफोर या वेन के बाद क्या आता है, सिंपल पास्ट आता है। यहाँ सिंपल पास्ट है, सही है, उसके पहले क्या दोगे, मतलब इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि श्याम के पहुंचने के पहले हरी जा चुका था, हरी घर छोड़ चुका था। दोनों दोनों एक्शन के बीच में टाइम गैप है तो यहाँ पे आंसर क्या हो, यहाँ तो सिंपल पास्ट होगा नहीं, फ्यूचर यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होगा नहीं, यहाँ बचता है हैड लेफ्ट, यानी कि हैड लेफ्ट यहाँ पे 100% होगा। इसी प्रकार देखो आप कहते हो ही रिटर्न्ड द बुक आफ्टर ही रेड इट, देखो इसमें चेंज करना है रेड, बोल्ड तो यहाँ पे है, तो मुझे बताओ कि किताब पढ़ने के बाद उसने किताब को लौटा दिया, तो किताब पढ़ने के बाद यानी कि एक एक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद उसने उस किताब को बैक किया। तो अगर एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद कोई दूसरा एक्शन होता है एंड इफ़ देयर इज़ टाइम गैप तो वहाँ क्या लगा हो गया, वहाँ पर जाहिर सी बात है जो आपका अर्ली एक्शन होगा देयर वी यूज़ पास्ट परफेक्ट, और जो आपका लेटर एक्शन होगा देयर वी यूज़ सिंपल पास्ट। तो उसने पढ़ने के बाद, किताब पढ़ने के बाद उसने लौटाया, तो पढ़ने के बाद यानी कि अर्ली एक्शन ये है, तो अर्ली एक्शन हमेशा हम दिखाएंगे किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट में, यहाँ पर यह सारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार देखो आप कहते हो दे रिच्ड द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन, बिफोर द ट्रेन, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि वे लोग स्टेशन पहुँचे बिफोर द ट्रेन, अब मुझे बताओ बिफोर के पहले जनरली अगर टाइम गैप है, टाइम गैप है तो बिफोर के पहले हम क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट, लेकिन यहाँ तो यूज है सिंपल पास्ट का और चेंज इसको नहीं करना है, चेंज करना है इसको, ठीक है ना। तो ये सिंपल पास्ट है, तो अभी आपको मैंने बताया होगा कुछ देर पहले कि अगर सब्सिक्वेंट एक्शन होता है यानी कि अगर दो एक्शन साथ साथ होता है तब दोनों में भाई हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट का, बिफोर के बाद तो कभी पास्ट परफेक्ट होगा नहीं, बिफोर या वेन के बाद हमेशा सिंपल पास्ट हो सकता है, बिफोर या वेन के पहले सिंपल पास्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेफ्ट, यहाँ इसका यूज़ आप नहीं करोगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने कुछ एफर्ट किया है, कुछ मैंने प्रयास किया है कि स्पेशली पास्ट टेंस का जो एरर्स है वो आपको हम डील करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें आप, और आपका कंसेप्ट काफ़ी स्ट्रांग हो, इट्स माई विश, ठीक है, ऑल द बेस्ट।